सभी दोस्तों को मेरी तरफ से राम राम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसकी रिक्वायरमेंट हर किसी को रहती है, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स हो। क्योंकि जो ये प्रोडक्ट है, ये इस कंपनी का नाम है सॉफ्ट स्पन माइक्रोफाइबर है, ये ऑल पर्पज माइक्रोफाइबर क्लीनिंग क्लोथ है। तो ये लेडीज और जेंट्स के लिए इसलिए जरूरी है कि हम महिलाओं को घर पे बहुत सारी चीजों की क्लीनिंग के लिए जरूरत रहती है, और जेंट्स को अपनी गाड़ी वगैरह साफ करने की जरूरत रहती है। तो इसमें निकले थे 10 पीस निकले थे, जिसका एक तो मैं यूज़ कर चुकी हूँ, यूज़ करके देख चुकी हूँ, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी। और ये जो कपड़ा है ना, ये सिर्फ ये नहीं है कि जैसे गीला है उसी को सोखेगा, जो डर्ट होती है ना, जो डस्ट होती है ना, उसको भी ये बहुत अच्छे से खींचता है अपनी तरफ, जैसे मैग्नेट की तरह ये उसको खींचता है। तो मैं आपको पहले दिखा देती हूँ पैकेट, इस पर लिखा हुआ है सॉफ्ट स्पन, और ये माइक्रोफाइबर है, जो ये क्लोथ है ना, ये माइक्रोफाइबर है। तो ये पैकेट है, और ये मिला था हमें 243 का, जो कि हमने मंगाया था जियो मार्ट से। मेरे हस्बैंड ने ही इसको क्या कहते हैं, कई सारी वेबसाइट पे सर्च किया था, तो ये सही लगा हमें। और मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, अगर आपको चाहिए तो आप ले लेना वहां से। बाकी मैं आपको दिखाऊंगी इसका कि ये किस तरीके से काम करता है, ये जो कपड़ा है ये किस तरीके से काम करता है। जो मैंने एक मिरर क्लीन किया था, तो वो जो मैंने इस पर पानी, वो एक ही बार में उसने पानी को पूरा सोख लिया। तो मैं दिखाती हूँ जो कपड़ा मैंने यूज किया था उसकी हालत। सिर्फ एक मिरर मैंने क्लीन किया है इससे, अपना जो गेट है मेरा पूरा शीशे का है, वो ग्लास का है, तो वो मैंने क्लीन किया था। तो इसकी हालत आप देख सकते हैं कि उस पर इतनी ज्यादा डस्ट थी, जो कि मुझे इतनी दिखी भी नहीं रही थी, लेकिन इसने बिल्कुल पूरा उसको खींच लिया है पूरा इस, और जितना पानी था उसको एकदम सोख लिया है एक ही बार में, इतना क्लीन। क्योंकि मिरर जो है कितना ही कपड़े से क्लीन कर ले, लेकिन वो क्लीन नहीं होता, उसको हमें क्या करना पड़ता है, न्यूज़पेपर से या पेपर से उसको क्लीन करना पड़ता है तब जाके। लेकिन ये कपड़ा ऐसा है, एक ही बार में कांच को एकदम साफ कर दे रहा है, ये इतना अच्छा कपड़ा है। और होता क्या है ना, हम घर में हम सोचते हैं कि जो वेस्ट कपड़ा है, जो हमारे कपड़े पुराने हैं, हम उनको काट के उनको यूज कर लेते हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से वर्क नहीं करते हैं जितने अच्छे से ये कर रहा है। और ये वाला जो कपड़ा है, इससे मैं आपको एक मिरर क्लीन करके दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं मिरर की तरफ। तो यहाँ एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा सा मिरर लगवाया हुआ है, कैमरे में आपको गंदगी दिखाई नहीं दे रही है इसकी, लेकिन ये काफी गंदा हो रखा है। तो ये हम आपको क्लीन करके दिखाएंगे, और फिर दिखाएंगे कि कपड़े पे कितनी गंदगी आएगी। एकदम क्लीन कपड़ा हम ले रहे हैं, एकदम क्लीन कपड़ा ले रहे हैं हम, साफ है ये नया। हाँ, ये हमारा जो हमने पहले किया था ये गंदा है ना। अब वैसे मैं करता नहीं हूँ सफाई, ये हम इस पे कॉलिन स्प्रे करेंगे थोड़ा सा। देखो अब हम इस पे इसको ना ऐसे फोल्ड कर लेंगे एक चौथाई, ठीक है, जितना आप करना चाहो ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये बेस्ट रहेगा। तो इसको आप ऐसे एक कोने से इधर, फिर एक ऐसे, ये सबसे बेस्ट तरीका होता है साफ करने का। फिर नीचे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इसको हटा देता हूँ थोड़ी देर ना। ये देखो कितनी मेरे को, मैं अब आप शायद देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा हूँ कितना इसने इसमें से डस्ट और जो गंदगी थी ना वो इसने खींच लिया है एक बार में। ये इतना एब्जॉर्बेंट, हाईली एब्जॉर्बेंट मटेरियल है ये, तो आप जैसे ही डालोगे देखो हमें मैं देखो। इसने भाई हो गया, बढ़िया हो गया है ना, कहीं कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है बिल्कुल भी। हाँ, मतलब काफी ना वाइट स्पॉट्स दिख रहे थे, स्टिक जैसे फिंगरप्रिंट दिख रहे थे इसमें, कुछ बच्चों ने चिपचिपा सा कुछ किया था, कुछ टॉफी वॉफी खा के कुछ लगा दिया ना, काफी निशान थे। इसने एक या दो स्ट्रोक में ही लगभग सब साफ कर दिया। थोड़ा सा हमने बस इस पे कॉलिन स्प्रे किया था और बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। और जो हम घर के कपड़े से क्लीन करते हैं तो एक रेशे से चिपक जाते हैं ना, वो इसमें नहीं है बिल्कुल भी, बहुत कम है, लेकिन बहुत ही मतलब 10% नहीं दिख नहीं रहा मुझे तो बिल्कुल भी। बहुत ही दिखाना ये कपड़ा कितना गंदा हुआ, एक बार दिखाना, नीचे रखो, ये देखो अगर आपको दिख रहा हुआ, ये एक सेकंड रुको, ये देखो इतना गंदा हुआ है। और ये कपड़ा एक काम करो खोल दो पूरा, ये देखो हाँ ऐसे दिखाई देगा, जो 1/4 हमने करा था ये देखो इस रीजन में हमने साफ किया है, बाकी देखो बिल्कुल क्लीन है। इतना इसने गंदगी एक स्ट्रोक में इतनी गंदगी अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो मैं कह रहा था कि हाईली एब्जॉर्बेंट मटेरियल है, तो ये है इसका काम कि जैसे आप कुछ भी पानी भी स्प्रे करके अगर खींचोगे ना किसी सरफेस पे, तो ये गंदगी अपने आप मैग्नेट की तरह खींचता है। ये बहुत जबरदस्त लगा मुझे। तो देखो अब हमने आपको दिखा दिया कि इतना एरिया से हमने साफ किया था 1/4 में, तो ये देखो कितना गंदा है, एक या दो स्ट्रोक में इसने इतनी गंदगी
अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लिया। तो भाई कंपैरिजन की बात ऐसी है, मतलब मैंने काफी मैंने लगभग एक घंटा सर्च किया था, अमेजन पे भी सर्च किया, मैंने अमेजन के अलावा फ्लिपकार्ट पे सर्च किया, फिर जियो मार्ट पे किया और ब्लिंकिट पे भी किया। तो मुझे सबसे बढ़िया वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट ये लगा, क्योंकि नॉर्मली दो या तीन जो आ रहे थे, जो दो तीन पीसेज आ रहे थे क्लीनर, जो क्लीन करने कपड़े के, वो लगभग पड़ रहे थे मुझे 400-500 रुपए का एवरेज प्राइस पड़ रहा था, वो भी सिर्फ दो या तीन पीस का, लेकिन वो थोड़े बड़े थे, 40 सेंटीमीटर बाय 40 सेंटीमीटर के। ये जो है ये है 30 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर के, बट मुझे इनके एब्जॉर्बेंट क्वालिटी बहुत अच्छी लगी है। तो और ये 243 के 10 पीस हैं, तो उस हिसाब से बहुत ही अच्छे वैल्यू फॉर मनी प्रोपोजिशन है, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप भी ये ले सकते हो। और अच्छा लगा मुझे, मतलब जियो मार्ट से मैंने लिया था उसका, जैसे कि हम डाल देंगे, लिंक डाल देंगे आपका, जो हम जहाँ से हमने बाय किया जियो मार्ट से, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और है भी तो 10 कपड़े, है भी 10 कपड़े हैं इसमें, तो सही लगा मेरे को, काफी वैल्यू फॉर मनी चीज लगी है, सही है। आप मतलब नॉर्मली घर में जो सूती कपड़े होते हैं उनसे जब साफ करते हैं तो एक तो लिंट रह जाते हैं और वो सफाई नहीं दे पाते, वो डस्ट को अपने से एब्जॉर्ब नहीं करते, वो फैला देते हैं पूरे में, तो करते रहो बार बार करते रहो। ये जो चीज एक बार में कर देगा, जो घर के कपड़े है ना वो शायद 5 या 10 बार में, 5-7 बार में जाके करेंगे और आप थक जाओगे, आपकी बाजू में दर्द कर जाएगा, ये 1-2 बार में कीजिए। तो भाई ट्राई करो, आप भी अगर ढूंढ रहे हो कि कोई ऐसी चीज जिससे आपको सफाई करने में आसानी हो तो बहुत बढ़िया चीज है। हर घर में सफाई के लिए कपड़ा तो चाहिए ही होता है, लेकिन जो हम घर में यूज करते हैं कपड़ा, और इसमें क्या डिफरेंस है मैं बताती हूँ। अगर आप नॉर्मल कपड़े से घर की सफाई करते हो, किसी भी चीज को सफाई कर साफ करते हो, तो अगर उसमें 3 मिनट लगते हैं तो इस कपड़े से क्लीन करने में सिर्फ आपको 1 या उससे भी कम ही मिनट लगेगा, और वो अच्छे से साफ कर देगी, सारा डस्ट साफ कर देगी। अगर आपको ये प्रोडक्ट यूजफुल लगा है तो आप भी इसको परचेज कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से परचेज कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और ये प्रोडक्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।